हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की कंपनी लावा जो यह एक स्मार्टफोन मेकर कंपनी है, उन्होंने आज अपना एक न्यू पॉकेट रेंज स्मार्ट जिसका नाम कंपनी ने लावा Z53 रखा है। यह खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया स्मार्टफोन है जो महंगे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ यह स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एट्रैक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कीमत के बारे में। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस लावा Z53 स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आपको इसके बैक पैनल पर 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके बैक पैनल पर आपको एक कैमरा और LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। अगर फ्रंट पैनल की बात करते हैं डिजाइन की, तो यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन की डिस्प्ले मिल जाती है और वहां पर आपको एक कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखने में ठीक ठाक ही है। इसके अलावा यह दो कलर में भारतीय मार्केट में उपलब्ध होगा, रेड और ब्लू कलर में। दोस्तों, अगर बात करूं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे पे, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको 6.1 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले दे रही है जो एक HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1280x600 का है। इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है वह 90:9 का है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आपको मिल जाता है 2.5D कवर्ड ग्लास की सुरक्षा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको SC9832E एक क्वाड कोर प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1.4 GHz है। इसके साथ आपको कंपनी दे रही है GPU माली का 820MP1। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है उसके बारे में, या उस कहूँ तो उसके डिटेल्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़े, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज के बारे में, तो भारतीय मार्केट में इसको कंपनी ने एक ही वेरियंट में किया है। हालांकि अभी लॉन्च 1 GB रैम प्लस 16 GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256 GB तक कर पाएंगे। पर दोस्तों, यहां पर यह सोचने वाली बात है, क्या इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर इतनी हैवी मेमोरी को कंट्रोल कर पाएगा। बात करूं इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो जिसका रियर कैमरा है वो भी सिंगल है, जिसका फ्रंट कैमरा है वो भी सिंगल है, जिसका रियर कैमरा है वो 8 MP का है LED फ्लैश सपोर्ट के साथ। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए। इन कैमरों से आप गोरे काले अपने प्यारे चेहरे की एक अच्छी सी वीडियो और एक अच्छी सी पिक जरूर क्लिक कर पाएंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको जो लगा के दे रही है 4120mAh की एक पावरफुल बैटरी, जो एक बार चार्ज होने के बाद 2 से 3 दिन का बैकअप देने वाली है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको दे रही है एंड्रॉयड का 9.0 एंड्रॉयड वर्जन, जिस पर यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको दे रही है डुअल 4G सिम का सपोर्ट, वाईफाई, GPS, FM रेडियो, ब्लूटूथ 4.0 का, USB 2.0 का सपोर्ट, जिससे कि आप इस स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा 3.5 mm का जैक इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है। तो आगे बढ़े, अगर बात करें फाइनली अब इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, तो कंपनी ने इसकी कीमत 4,829 रुपये रखी है। यह एक ही वेरिएंट में भारतीय मार्केट में उपलब्ध है। तो यह हमारे देश की घरेलू कंपनी है। तो इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, इसकी कीमत के बारे में आप लोगों के दिल में क्या है, कृपया मुझे ज़रूर बताइए। पर यहाँ पर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। जय हिंद।